हो गया रेडी दोनों। मैं पुनः हिमाचल वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे प्रधानमंत्री के आह्वान पर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु घर पर ही रहे। और कुछ लोगों ने हमें फोन किया है, उन्होंने अपना तकलीफों की जिक्र किया। कई लोगों के जो फैमिली मेंबर्स, खास तौर पर बच्चे, दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और कुछ नौकरी करते करते वहीं पे फंसे हैं, तो उन्होंने अनुरोध किया कि उनको वापस हिमाचल लाने का इंतजाम किया जाए। इसके बारे में 31 मार्च के बाद सरकार उचित कदम उठाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हम सब के बच्चे, पुलिस वाले, तमाम पुलिस वालों के बच्चे भी इसी तरह फंसे हैं, पुलिस वालों के जो छुट्टियां भी कैंसिल की गई है और उनका भी कई तरह का समस्या है, उनके फैमिली में जो लोग बीमार है वो जाना चाहते हैं, फिर भी वो हमारे आदेश के मुताबिक एक स्माइलिंग फेस से अपना ड्यूटी दे रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी का भी जो समस्या जेन्युइन नहीं है, मैं मानता हूं कि सबकी समस्या जेन्युइन है और इस वक्त थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के, इवन पूरे देश के हर एक नागरिक इस वक्त कष्ट उठा रहा है, क्योंकि कष्ट उठाना ही पड़ेगा, हालात ऐसा है। अगर आज हम थोड़ा सा कष्ट नहीं उठाएंगे, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना हम इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा कष्ट उठाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम पुलिस कर्मचारी, अधिकारीगण और सरकारी कर्मचारीगण जो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन करते हैं, हम लोग तनख्वाह लेते हैं अपना काम के लिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हजारों में वॉलंटियर्स आगे आए हैं बिना तनख्वाह के, वे अब घरों में जाके राशन देने के लिए तैयार है, बांटने के लिए तैयार है। और उनका भी समस्या है घर में, लेकिन समस्याओं के बावजूद भी वॉलंटरीली वो एक स्माइलिंग फेस से आपको राशन पहुंचवाने को तैयार बैठे हैं। मेरे लिए ये लोग सबसे ज्यादा हीरोज है इस वक्त। राधा स्वामी सत्संग जैसे कई संस्था जो है अपना पूरा रिसोर्स हिमाचल सरकार को दिया है और कहा है कि लोगों का भला के लिए, फायदा के लिए जो कुछ कर सकते हैं करिए, और वो फूड भी कुक करके फ्री फूड भी बांट रहे हैं। और ये सब देखते हम सबको थोड़ा सा कष्ट उठाना चाहिए। मैं कुछ एक बातें लोगों को कहना चाहता हूं। घर में रहते रहते ये भी जरूरी है कि जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन करना, और इसके लिए जो हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड खाना जरूरी है, और जो पेय जिसमें शुगर एडेड है उसको अवॉइड करना चाहिए, और जो लिकर है उसको बिल्कुल हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई आदमी आदत से मजबूर है और उनके साथ लिकर उपलब्ध है तो लिमिटेड क्वांटिटी में इसको कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन सिगरेट आदि जो है ये बिल्कुल ही, सिगरेट बीड़ी पीना नहीं चाहिए अगर आदि भी हो, क्योंकि इसको छोड़ना चाहिए इस वक्त, क्योंकि जो फेफड़े की बीमारी है इससे जल्दी बढ़ जाती है, एग्रेवेट हो जाता है। इसलिए सिगरेट पीने का आदि है तो सिगरेट को छोड़ना ही पड़ेगा। और एक्सरसाइज करना सबके लिए जरूरी है, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको आधा घंटा, और जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए 1 घंटे का एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करे, योगा प्राणायाम करे, या कुछ भी करना चाहे करे। अगर कुछ भी नहीं है तो घर में, अगर ऊपर मंजिला में है तो नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़े, 50 बार चढ़ने से भी एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना इस वक्त जरूरी है। इसमें इम्यूनिटी बॉडी में बन जाती है, और हेल्दी फूड से भी, न्यूट्रिशियस फूड से भी, और फिजिकल फिटनेस से भी इम्यूनिटी बन जाती है। और दूसरा, म्यूजिक को सुनना चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं, हिमाचल प्रदेश के हर एक जिला में कोई ना कोई डांस मशहूर है, और अगर आप म्यूजिक ऑन करके डांस कर सकते हैं तो करना चाहिए। लेकिन डांस कभी ग्रुप में नहीं करें, इंडिविजुअली करें, इससे आप लोग खुश रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं।
और फोन पे आप अपना रिश्तेदारों से बात करते रहना है, फोन पे टच पे रहना है। और इसके अलावा जो टेलीविजन है, टेलीविजन में तरह तरह की न्यूज आजकल ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं न्यूज चैनल्स में, इससे एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं हिमाचल में होने वाला है। हिमाचल एक देवभूमि है और यहां देवता रहते हैं और ऐसा कहा जाता है, और इस धरती पे कुछ नहीं होगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत शुरू से ही लिया हुआ है, इसलिए मैं समझता हूं कि एग्रवेट होने का चांस इस वक्त बहुत ही कम है। और एक बात और मैं कहना, ये सब तमाम बातें जो है, मैं कोई खुद एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन WHO का जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने ये बात कही है, इसलिए मैं उनकी बातों को ही आप तक पहुंचवा रहा हूं। और मेरी अनुरोध है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हर तरह का व्हाट्सएप मैसेज ना देके ऑथेंटिक सोर्स जो है, जैसे WHO है, ICMR है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इस तरह का साइट पे जाके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करिए और उस पर सलाह के मुताबिक एक्ट करिए। और कोई भी दवाई मेडिकल एडवाइस के बिना ना ले, डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना ना ले। हिमाचल में अगर दवाई दुकानों ने दिया है दवाई, तो आपने खरीदा भी होगा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, घर में रखा भी होगा, लेकिन मेडिकल एडवाइस के बिना, डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना इस हालात में ना ले। और राशन दुकान से राशन स्टोर करना छोड़ दे। सरकार उचित कदम उठा रही है, राशन डेली पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कराई जाएगी, और इसीलिए अगर आप एकदम स्टोर करेंगे तो दूसरों का हक छीनने वाली बात आ जाती है, उसको ना करें। और मैं अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि COVID-19 जो वायरस के लिए इस वक्त कोई टीका या कोई दवाई का आविष्कार नहीं हुआ है, इसलिए WHO ने भी कहा है कि एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, जो आप कर रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि ये करते रहेंगे और आपकी सहयोग से हम इसको हिमाचल प्रदेश में मिटाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।